हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब एडिशनल मैथ क्लासेस में। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भिन्नों का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन। देखो हम कैसे कराते हैं इसे, ठीक है? तो ए जैसे हमारे को रेशनल नंबर है, ये ए अपॉन बी, ठीक है? और ये सभी के लिए, मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो इस वीडियो को कंपलसरी देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिससे भी हम आगामी वीडियो डालें, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो जो भी डाला है वो आपके पास प्रोवाइड हो सके और आप उसका मतलब बेहतरीन तरीके से देख सके कहाँ किस टाइप से क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर ए अपॉन बी है हमारा। ए जो है हमारा यहाँ पर क्या है, ए होता है हमारा यहाँ पर अंश, ठीक है, जिसे बोलते हैं नोमिनेटर। ए होता है हमारा यहाँ पर क्या है, ए है हमारा अंश, ए है यहाँ पर अंश, और बी क्या है, ये यहाँ पर हर है, ठीक है ना? ये होता हमारा ए नोमिनेटर होता है, बी क्या हमारा डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर ये देखिए 4/6, ठीक है, 4/6 प्लस 3/6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये फ्रैक्शन है, इसे ऐड करना है, हमें एडिशन करना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं हम। 3 हमारा क्या हुआ यहाँ पर, ये नोमिनेटर, 6 क्या डिनोमिनेटर, ऐसे यहाँ पर 4 हमारा नोमिनेटर है, 6 डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखो पहले दोनों क्या हमारे सेम है, तो सेम है, तो चलिए 6 क्या आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि दोनों, अगर आप एलसीएम ले रहे हैं, अगर आपके डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आपका एलसीएम वही डिजिट आएगी जो दोनों में डिनोमिनेटर में है, ठीक है? ऊपर की जो हमारे नोमिनेटर है उसे जो सेम है संख्या है उसे वैसे ही लिख दो, 4+3। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4+3 को ऐड कर लो आप, 7/6, ठीक है? अब देखो यहाँ पर गलती करते हैं बच्चे, अब जैसे 2 से ये कैंसिल हो रहा है, 6 इसे भी कर देते हैं, ठीक है ना? तो ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 7 क्या हमारा ऑड है, 6 क्या हमारा यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है ना? ए की डेट से हमारी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल होने चाहिए, ठीक है? अब 7/6 से ये कैंसिल होगा नहीं, आप इसे डेसीमल में चेंज करके लिख सकते हैं, अगर आपका आंसर डेसीमल में दे रखा है, अदरवाइज आप यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना? ये मिक्स में बन सकता है, मिक्सर में आ जाएगा ये आपका, ठीक है ना? मिक्स फ्रैक्शन में इसे लिख सकते हो आप, 1/7/6, वो भी आपको बताएंगे, ठीक है ना? हर टाइप के क्वेश्चन बताए जाएंगे फ्रैक्शन में इसके। अब देखिए सेकंड टाइप, देखिए इसका सेकंड टाइप में क्या हमारा 3/4 + 6/5 है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो 4 भी हमारा क्या डिनोमिनेटर डिफरेंस है, और 5 भी हमारे दोनों क्या डिफरेंस है, अलग अलग है डिनोमिनेटर दोनों के। तो यहाँ पर हमारी क्या फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, यहाँ पर ये फर्स्ट टाइप हमारा, यहाँ पर 4 की और 5 की मल्टीप्लाई करा लो, 4×5 = 20। उसके बाद आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हो तो वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना? तो 4 के टेबल में आप 20 देख सकते हैं, ये इस टाइप से करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आप 3 वाला, ये 3 रेशनल नंबर वाला, तो उससे कैसे करोगे, तो इस तरह से अगर आपकी याद पड़ जाएगी तो आप जल्दी से कर ला करोगे। 4 की टेबल में 20 देखोगे, 3 टाइम्स होता है 5 टाइम्स, 5×3 = 15 प्लस आ गया। और 5 की टेबल में देखो 20 की 3 टाइम्स होता है 4 टाइम्स, 4×6 = 24। अब इसे आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 39/20, ठीक है? 39/20, 39 क्या है यहाँ पर आपका ऑड नंबर है, 20 हमारा इवन नंबर, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा हमारा, ये आंसर आ गया, ठीक है? अब थर्ड टाइप देखो इसका, आप थर्ड टाइप क्या होता है इसका, थर्ड टाइप में ऐसा है देखो, अब ना तो 2 की टेबल में आता है, 2 आता है, 10 की टेबल में नहीं आता, और 10 आता है हमारा। यहाँ आप इसकी मल्टीप्लाई भी करा सकते हो डिनोमिनेटर से, ठीक है ना? पर इस तरह से मतलब लेंथी हो जाएगा ये ज़्यादा, तो आप जो है इसके क्या ले सकते हैं, आप इस तरह से देख लग रहो पहले डिनोमिनेटर क्या, अगर कोई टेबल किसी की डिजिट कोई किसी की टेबल में आ रही है तो उसे ले लग रहो, ठीक है ना? तो 10 आता है आपके यहाँ पर 2 की टेबल में, तो ये आ गया। अब 10 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, 1 की 6 से मल्टीप्लाई करा लो आप, 1×6 = 1 प्लस। अब 2 की टेबल में कितना 10 कितने टाइम्स आता है, ये 5 टाइम्स आता है, 5×5 = 25, 25 और 6 क्या हो जाएगा, ये ऐड कर लो आप इसे, यह आ जाएगा यहाँ पर 31/10। देखो 31 क्या हमारा यहाँ पर ऑड नंबर, और 10 हमारा इवन नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा डी, तो ये यही आ गया आंसर, ठीक है? चलो और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जैसा हमारा ये समझ लो 6/4 हुआ, और रिविजन हो जाएगा आपका 7/5 हुआ। अब देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों क्या हमारे डिफरेंस है, तो इन दोनों के पहले आप क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे, 4×5 जो होता है हमारा 20। अब यहाँ पर 4 की टेबल में कितने 20 कितने टाइम्स आता है बताइए आप, 20 आता है हमारा 4 की टेबल में 5 टाइम्स, 5×6 से मल्टीप्लाई कराइए, 5×6 = 30 प्लस 5 की टेबल में कितना आता है 20, 4 टाइम्स, 4×7 = 28, ठीक है? अब इसके आप ऐड कर लो, 58/20
ट्वेंटी। अभी देखो ट्वेंटी टू से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो टू से कैंसिल हो जाएगा तो कैंसिल कर लीजिए आप, टू 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 जा फोर, रिमाइंडर हमारा वन, टू नाइन जा एटीन, टू टेन जा ट्वेंटी, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पर टू आ गया, ये तो 29/10 ही आपका आंसर आ गया, ठीक है, 29/10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और देख लीजिए आप, 3/7 प्लस के 4/2। अब देखो यहाँ पर भी डिफरेंस है दोनों ये, तो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा हमारा 14, और 7 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 14, 2 × 2 = 6, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी आ सकते हो इसमें, 28 आ गया 7/4 जा, इसे आप ऐड कर लो कितना आ गया 8 × 6 14 का 4 कैरी हुआ 1 × 2 = 3 34/14, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 × 2 रिमाइंडर हमारा 1 14, 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14, तो ये आ जाएगा आपका 17/7, ठीक है, ये आंसर आ गया आपका, क्योंकि कैंसिल नहीं होने का, ये क्या हमारा ऑड नंबर है, ये भी दोनों ऑड नंबर है, ठीक है, जो सेवन टेबल में आता नहीं तो इसलिए आप यहीं पर छोड़ दीजिए, डेसिमल में ले सकते हो बस आप, ठीक है। अब देखो आप 3 डेसिमल नंबर कैसे होता है हमारा सॉल्व, ये बहुत कंपलसरी 3 डेसिमल नंबर आपका, देखो जैसे अगर आपका ये फ्रैक्शन वाले और भी हैं जो भिन्नो घातांक करने वाला चैप्टर है, अगर आप इसे पहले एडवांस करके चलोगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, सरलीकरण वाला भी इसमें ये यूज होता है, ठीक है ना। तो आपका बेस होना, बेस स्ट्रांग होना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स तो 100% किया करो, ठीक है ना, जो भी आपके डाउट है जैसे भी है सब क्लियर हो करेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, चलो 6/5 प्लस के 4/2 प्लस के 3/10। अब यहाँ पर देखिए ये किस तरह से होना सॉल्व, अब देखो यहाँ पर ये इसका सिंपल तरीका क्या है, 5 to 10 का फैक्टर से भी कर दे सकते हैं आप कितना एलसीएम आ गया इसका, ठीक है ना, या फिर आप देखिए 5 की टेबल में 10 भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है 10, तो आप यहाँ पर क्या लेंगे एलसीएम 10 ले लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं देखो कैसे कराता हूँ इसे, अब 5 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 2, 10 2 टाइम्स आता है, अब 2 की 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ना, पहले फर्स्ट वाले डेसिमल नंबर में देखिए आप, 6 की हमारा नोमिनेटर है और 5 हमारा डिनोमिनेटर, 5 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है 2 × 2 = 6 = 12, मतलब जस्ट एकदम नोमिनेटर से उसके मल्टीप्लाई करानी है। अब सेकंड डेसिमल नंबर पर जाओ, 2 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 10, 5 × 5 की 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 × 4 = 20 प्लस 10 की टेबल में कितने टाइम्स आता है 10, 1 × 1 = 3, ठीक है। तो आप इसे ऐड कर लो, ऐड करोगे तो आप इसका कितना हो जाएगा 12 और 3 = 15 और 20 कितना हो गया आपका 35/10 आ गया ये आपका, ठीक है ना, 35/10। अभी से 5 से कैंसिल कर लो आप, क्योंकि 5 टेबल में 10 भी आता 35 भी, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका 7/2, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि देखो इसे डेसिमल में लिख सकते हो 3.5 आ जाएगा ये, 2 × 3 = 6 पॉइंट लगाओ 3.5 आ जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से भी ले सकते हो आपके डेसिमल में अगर आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो एक और तेजी के साथ, 6/2 का हमारा प्लस के 5/4 हुआ प्लस के 3/6 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका एलसीएम क्या जाएगा, अब 2 की टेबल में 4 आता है, 6 भी आता है, चलो सही है, 4 की टेबल में तो 6 आता नहीं है, तो ऐसी डिजिट लेते हैं कि हमें जो हमारे डिनोमिनेटर हैं 2, 4, 6 से हमारा क्या हो जाए कैंसिल हो जाए, तो इसे क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर 4 आ जाएगा, 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है, 12 आ जाएगा, तो 2 × 6 = 12, 6 × 6 से मल्टीप्लाई कराओ 36 प्लस 4 टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है 3 times, 4 × 3 = 12, 3 × 5 = 15 प्लस 6 × 2 = 12, 2 × 3 = 6। अब यहाँ पर ये देखिए 36 और ये 15 प्लस 6 कितना होता है 15 और 6 हो गया 21 आपका 21 और 36 हो गया ये आपका 57/12, ये आपका आंसर आ गया 57/12। 3 से कैंसिल हो जाएगा, वैसे कर लो कैंसिल, ये 3 × 1 = 3 रिमाइंडर 2, 3 × 9 = 27, 3 × 4 = 12, ये आ गया आपका 19/4, डेसिमल में लिख सकते हैं आप, वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।